की जमाते सड़कों पे होते और इस सिया दिन को, इस ब्लैक डे को मना रहे होते। जिस तरीके से ये सिलेक्शंस करवाए गए, हमें सब याद है कि कैसे पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2018 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में आपको तीन तीन दिन तक इंतजार करना पड़ा अपना रिजल्ट्स लेने के लिए। हमें सब याद है किस तरीके से ये जो सारे के सारे रिजल्ट्स लेकर आए थे, इनका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, और वो इसलिए कि आपका जब वोट काउंट होता है तो हर कैंडिडेट का हक है कि उनका पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशंस में बैठे हो, वो उस काउंट को सुपरवाइज करें। और जैसे आप सबको पता है, पाकिस्तान भर में पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया था। इस सिलेक्शंस में हमें सब 45 और पाकिस्तानी कौम को ये समझाना कि फॉर्म 45 का क्या अहमियत है, इसमें इमरान खान साहब का अपना बहुत ही बड़ा किरदार है। लेकिन 90% फॉर्म 45 जो उस गायब है, गायब अगर नहीं है तो उसमें पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स नहीं है। अगर पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स नहीं है तो उसका क्या लीगल स्टैंडिंग है? जिस तरीके से हमारा इदारे इस इलेक्शंस में मुतनाज़े हुए, माजी में किसी इलेक्शन में हमारे इदारे इतने मुतनाज़े नहीं हुए थे। ये पाकिस्तान का शायद वाहिद इलेक्शन था, पहला इलेक्शन था जिसमें हर पोलिंग स्टेशन में बाहर और अंदर हमारा फौज को खड़ा कर दिया गया। उस इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली खत्म हो चुका था, सेनेट में पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर इस इश्यू पे एजिटेट करता रहा कि अगर आपने सिक्योरिटी देना है तो सिक्योरिटी के हद तक आप बाहर खड़ा हो सकते हैं, अंदर खड़ा होने का क्या कानूनी आईनी या लॉजिकल जहाज बनता है? जबकि आपने जब दहशतगर्दी अरूज पे था, जब 2007 के इलेक्शंस चल रहे थे, जब पाकिस्तान के सड़कों पे पाकिस्तान के अवाम का खून बह रहा था, जहां पाकिस्तान के हर सुबह में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद आग जल रहा था, उस माहौल में जब आपने इलेक्शंस किए थे तो तब हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज नहीं थे। जब आपने 2013 के इलेक्शंस किए थे तब भी दहशतगर्दी का खतरा था, तब भी हमारा कैंडिडेट्स अगवा हो रहे थे, तब भी आपने हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज को खड़ा नहीं किया था। लेकिन पता नहीं क्यों, जबकि जियाउल हक के दौर में नहीं हुआ, जबकि मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ, हमारे समझ से बाहर है कि क्यों इमरान खान के लिए ये स्टेप लिया गया। इससे मैं समझता हूं कि हमारा इलेक्शन प्रोटेस्ट मुतनाज़े हुए, और वो लोग जिनको मुतनाज़ा कभी भी नहीं होना चाहिए, जिनको कभी किसी भी सूरत में किसी भी सियासी रंग को नहीं आना चाहिए, जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे, जब आप पोलिंग स्टेशन के बाहर होंगे, जब छुट्टी कलेक्ट वो पोल स्लिप कलेक्ट करने के वक्त आप वहां होंगे, जब पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के बाहर फेंकने के वक्त आप वहां होंगे, तो फिर मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जितना नुकसान इस इलेक्शन ने हमारा सिस्टम को किया था शायद माजी में, इतना नुकसान नहीं हुआ। और इतना जो दहशतगर्दी के वाकये हुए थे इस इलेक्शन में, वो भी हुए थे,
हमारा जो उस वक्त का इलेक्शन कमीशन था उसने तो पुरअमन का नाम दिया था इस इलेक्शन को इलेक्शन के बाद, लेकिन हमें पता है कि कैसे पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बात किए थे, कैसे पेशावर में दहशतगर्दी के बात किए थे, कैसे इस इलेक्शन में भी एक और बलोर खानदान से ताल्लुक रखने वाले बलोर शहीद हो चुका था, कैसे शहीद सिजरानी साहब को बलोचिस्तान में शहीद करवाया गया, कैसे पन्नू में दहशतगर्दी का वाकया था, कैसे इलेक्शन डे पे मेरा अपना लड़काना में मेरा पोलिंग कैंप पे बम धमाका हुआ। ये तो खबर भी नहीं था, ये तो पाकिस्तान का ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं था कि पीपल्स पार्टी का कैंप पे लड़काना में धमाका। मेरा पहला इलेक्शन में मेरा पहला वोट डालते हुए आपके पास वो फुटेज नहीं है। आपको मीडिया को जिनका हक था, जिनको पाकिस्तान के अवाम के आंख बन के हमारे पोलिंग स्टेशंस पे और उस प्रोसेस को पे नजर रखना था, आपको भी एक्सेस नहीं दिलवाया गया। और इसके नतीजे में जो इलेक्शन रिजल्ट्स निकले, पहले दिन से कोई लेजिटिमेसी नहीं था, और जितने दिन ये हुकूमत अब हुकूमत में रह चुके हैं, अब सारे पाकिस्तान एक पेज पे है, पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे है, हर सुबह से ताल्लुक रखने अवाम एक पेज पे है, वो ये पेज है कि इस सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा, कि इस सिलेक्टेड इमरान ने जो नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को किया है वो आपके सामने है, जो नुकसान इस सिलेक्टेड इमरान ने हमारा मईशत को किया है वो आपके सामने है। तारीख में हम इतने बुरे सूरत मुआशी सूरत हाल के मुकाबले कभी नहीं किए हैं, और आगे जाके अगर ये सिलेक्टेड रहेगा तो हमारा मुआशी हालात मजीद बुराई की तरफ चला जाएगा। तो जमहूरियत को नुकसान, मईशत को नुकसान, हमारा सोसाइटी को नुकसान, लेकिन सबसे फर्क कर एक पैंडेमिक के दौरान जब एक लीडर नहीं लेकिन कठपुतली राज कर रहा है, तो जिस तरीके से हर पाकिस्तानी का सेहत और जिंदगी को नुकसान रहा है और आज तक है, वो भी इस वजीर आजम की वजह से है। एक बड़ा वजह सपोजिटली इस वजीर आजम को लेकर आना वो ये था कि हमने एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना, एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था, और अगर आप साफ शफाफ सादिक और अमीन इमरान खान साहब को बस उसको वजीर आजम की कुर्सी पर बस बिठा देना तो 90 दिन के अंदर ही अंदर पाकिस्तान में करप्शन खत्म होना। अब आप पूछे अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से, आज नया पाकिस्तान में कितना करप्शन हो रहा है, नया पाकिस्तान में कितना करप्शन हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से पूछे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक सियासी, मैं तो एक सियासी जमात हूं, मेरा राय होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अपना एनालिसिस है कि जो करप्शन नया पाकिस्तान में सिलेक्टेड दौर में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इतना करप्शन नहीं हुआ। अगर इस इमरान खान ने कहा था कि उसने किसी को एनआरओ नहीं देना था, इसने अपना दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा एमनेस्टी स्कीम्स दिलवाए हैं, हर करप्शन मंसूबा को तहफ़ दिलवाया है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा व्हाइट एलिफेंट है हमारा, वो बीआरटी का जो मंसूबा आज तक मुतनाजा है, उसको एनआरओ दिलवाया गया है। सुना है कि उन दोस्तों को मजीद काम मिला है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उस पे करप्शन, मालम जंबा का करप्शन, बिलियन ट्री सुनामी का करप्शन, हर मिनिस्टर का, हर एडवाइजर का, हर स्पेशल असिस्टेंट का,
जो एसेट्स अभी डिक्लेयर किए गए हैं, क्या किसी में हिम्मत है उनसे पूछना कि उनका एसेट बियॉन्ड मींस का केस नहीं बनता? खुर्शीद शाह की तरह पहला गिरफ्तार फिर सवाल पूछना का केस नहीं बनता? इमरान खान साहब ने हर माफिया को एनआरओ दिलाया, चीनी चोरी में एनआरओ, जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। अब आप सब ने हमारा वजीर कानून का नया शरीफुद्दीन फीजादा साहब का नाकाम कोशिश देखा इस ऑर्डिनेंस का जस्टिफिकेशन देना नेशनल असेंबली के फ्लोर। ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट के जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसकी वजह से वो का ये काम करते हैं। एक तो अगर मैं एक सेकंड के लिए भी ये मानता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए ये काम कर रहे थे, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम तो ऑर्डिनेंस से पूरा हुआ नहीं? आपने फिर क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उसका एडवोकेट के लिए दरख्वास्त डाला है? हुकूमत पाकिस्तान का दरख्वास्त है? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। ये कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि हमें ऑपोजिशन से बात करना था। जी बिल्कुल, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ऑपोजिशन से बात करना था। अगर आपने ऑपोजिशन से बात नहीं करना था तो ऑपोजिशन के बगैर पास करके दिखाए। ये कानून में नहीं लिखा है कि ऑपोजिशन से बात करना है, लेकिन आपका आईन में लिखा है जब नेशनल असेंबली सेशन चल रहा है आपको फौरन इसको फौरन ऑर्डिनेंस को पेश करना पड़ता है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान में 15 तक मिल रहा था, ये ऑर्डिनेंस में 20th पे ले आया था। फिर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जून में भी मिल रहा था, सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी जून में मिल रहा था, मुसलसल हम मिल रहे थे। फिर जुलाई में भी हम मिल रहे थे। तो इन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है जब इन्होंने इस ऑर्डिनेंस को हाउस में नहीं ले किया है। अगर हम मानते भी है कि आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ का ज्यूरिस्डिक्शन मानना है, भले माने, लेकिन इसका यह नहीं मतलब कि उनका ज्यूरिस्डिक्शन मानते हुए आप पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी कर सकते हो। इन्होंने एक पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाने की कोशिश की है। अगर हमसे पहले बात करते हम उनको समझाते कि पर्सन स्पेसिफिक कानून तो आप बना नहीं सकते हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून जो पिछले हुकूमत ने वाजे अक्सरियत से पास करवाया था, उस कानून को इस बात पे स्ट्राइक डाउन किया था कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं हो सकता। इससे ज्यादा पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन क्या हो सकता है? दाल में कुछ काला नहीं था तो इतना सीक्रेटिव होने का वजह क्या? आपने हम सबसे क्यों छुपाए?
यहां तक कि आपने पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली से क्यों छुपाया। और एक और बात जो सबसे हैरान कुन बात है कि ऑर्डिनेंस के अंदर उन्होंने 60 डेज दिए थे कुलभूषण यादव को और भारत की कौंसुलेट को इस ऑर्डिनेंस का फायदा लेना। उस 60 डेज के इस 60 डेज में ना कुलभूषण यादव ने ना भारत ने इस ऑर्डिनेंस का फायदा उठाया और ना ही आपने उस 60 डेज में या उस 60 डेज से पहले पार्लियामेंट से पूछा। तो आपका इरादा यह था ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि आपका छुपी हुई ऑर्डिनेंस डेज के अंदर आपने ले करना था, काम भी हो गया और हमें पता भी नहीं चलता। आपके लिए मसला सिर्फ एक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और कभी भी इंसान हुकूक पे और इंटरनेशनल लॉ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कि ये शायद मसला बन जाएगा हम नेशनल असेंबली में लेकर आए, लेकिन आज के हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा जमात से मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया, ना हमारे राय लेने के लिए, हमें बताने के लिए कि वो इतना ये काम कर सकते हैं, जिनका सियासत का कुछ पता नहीं, जिनको हर चीज को अपना अना का मसला बनाते हैं, जिनको समझ ही नहीं आते जब अपने अपने कौम के लिए बड़े फैसले लेने हैं तो आपके उस पर कंसेंसस बनाना पड़ता है। इनमें ना ये सलाहियत है ना वो अहलियत है, हर क्राइसिस को वो कैटेस्ट्रफी में तब्दील कर देते हैं। और जितना देर यह हुकूमत में रहेगा पाकिस्तान का हर क्राइसिस से कैटेस्ट्रफी में तब्दील हो जाएगा। अब मैं जानता हूं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन मेरे सामने पीटीआई का मैनिफेस्टो भी है और मैं थोड़ा टाइम इस पे देना चाह रहा हूं कि इस मैनिफेस्टो से चले जैसे भी है वैसे भी है, सिलेक्टेड तो है लेकिन हुकूमत में आए और ऐसे हुकूमत में आए हैं जैसे किसी और को इतना सपोर्ट नहीं मिला है माजी में, तो इनका डिलीवरी भी सबसे बेहतर होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए। हाँ, कोई रुकावट ही नहीं, हर वादा पे पीटीआई हुकूमत ने जो भी वादा किया है मैनिफेस्टो में जलसे में वजीर आजम साहब की तरफ से खुद एक वादा भी, आप बताएं मुझे कौन सा वादा पूरा किया। हमने कवर कर दिया 90 दिन में करप्शन को खत्म होना था, वो तो नहीं हुआ। पहले 100 डेज में आपने जनूबी पंजाब का सूबा बनाना था, अभी तक फैसला नहीं कर सकते कि दफ्तर कहां। इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, पता नहीं कितने कितने करोड़ पाकिस्तानियों को बेघर कर दिए। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दिलवाना था, तारीख में जितने पाकिस्तानी इस हुकूमत में बेरोजगार हो चुके हैं, माजी में किसी हुकूमत में एक वक्त में इतने लोग बेरोजगार नहीं हो चुके हैं। पाकिस्तान की पूरा का पूरा तारीख में हम कभी भी नेगेटिव ग्रोथ में नहीं आ चुके हैं। अब ये खुद मानते हैं, अपने इकोनॉमिक सर्वे मानते हैं कि प्री कोविड का लॉकडाउन वो नेगेटिव ग्रोथ में है। पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान इस हुकूमत ने किया है, माजी में किसी हुकूमत ने हमारा मईशत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है।
इनका चैप्टर टू जो है मैनिफेस्टो का वो गवर्नेंस पे था. उसका पहला एक पॉइंट है उसमें कि उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस को रिव्यू करना था, स्ट्रेंथन करना था उसका मैंडेट, इंडिपेंडेंस एंड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द नैब चैप. इस काम में इस काम पे उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाया. इन्होंने उनको उन्होंने पूरा पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना था बाय डिवॉल्विंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग टू द पीपल थ्रू एन एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट. जब से पीटीआई की हुकूमत गवर्नमेंट का उनको मिड टर्म मुकम्मल टर्म भी पूरा करने नहीं दिया उस निजाम को हटाना, और आज तक आपका तो लोकल गवर्नमेंट का निजाम ही नहीं है, रेवोल्यूशन और लोकल डिसीजन मेकिंग तो दूर की बात है. और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि सिंध में आज पहली बार अगस्त के महीने में इंशाल्लाह ताला मैं फख्र से कह सकता हूं बेहतरी की गुंजाइश होगा मेरा लोकल बॉडी का निजाम. लेकिन मैं फख्र के इस कह सकता हूं कि मैं पाकिस्तान में वाहिद वो सूबा है जहां मेरा लोकल गवर्नमेंट अपना टर्म मुकम्मल करेगा, और ये इस सिलेक्टेड दौर में एक जमहूरियत की जीत है. और अब इनको अब अपने आवाम को अगले इलेक्शन में फेस करना पड़ेगा. अगर वो मुतमिन हो उनके काम में उनका मेहनत में तो उनको फिर से मुंतखब करेंगे, मुतमिन नहीं है किसी और को मौका मिले. डेवल्यूशन इनका बात करते हैं, तंकीद हम पे होता है, लेकिन एक ही जगह है पूरे पाकिस्तान में जहां आज तक लोकल गवर्नमेंट जारी है. इन्होंने वादा किया था कि वो डीपोलिटिसाइज उनको करना था हमारा पुलिस का निजाम, और उसका जो जिस तेजी के साथ आईजी पख्तूनख्वा का हो या खास तौर पे पंजाब का हो या यहां इस्लामाबाद का हमारा कैपिटल का हो तब्दील होते हैं. आपको अंदाजा है कि कितने सियासी तौर पे हमारे पुलिस इस पर चल रहे हैं, यहां तक कि वजीर आजम साहब के जो हनीमून पीरियड का हुकूमत में था, पहला जो आईजी उन्होंने निकाला था वो इस बात पे था कि एक वजीर के घर पे एक जानवर घुसा था, और उस बात पे आईजी इस्लामाबाद था. आज तक ये डीपोलिटिसाइज पुलिस का निजाम इन्होंने पंजाब में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है. इन्होंने बहुत से वादे किए हैं, हर वादा पे मुकर चुका है. इन्होंने वादा किया था कि वजीर आजम हाउस जो है वो यूनिवर्सिटी बनेगा, आज तक वजीर आजम साहब तो वहां है. वजीर आजम साहब ने तो बाइसिकल पे जाना था दफ्तर हर दिन, अभी तक वो तो हेलीकॉप्टर पे जाता है. वजीर आजम साहब ने वादा किया था कि हर सूबा का गवर्नर हाउस को वो यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे. उन्होंने तो अपने हुकूमत में जहां अपने सूबाई हुकूमतें हैं वहां भी यूनिवर्सिटी पे तब्दील नहीं कर चुके हैं. इन्होंने वादा किया था कि वो एक राइट टू इंफॉर्मेशन पे दे वर गोना फैसिलिटेट अ ड्राइव टू लेजिस्लेटिव रिफॉर्म फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन द राइट टू सर्विस एंड वी विल अबॉलिश द कल्चर ऑफ सीक्रेसी एंड वी विल इंश्योर दैट ऑल गवर्नमेंट एक्शंस रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन आर ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी. अब नेशनल असेंबली के मेंबर होते हुए जो हमारा हक है आपके डॉक्यूमेंट्स देखते के लिए, हमें नहीं देखने की इजाजत देते पाकिस्तान की आवाम तो दूर की बात है. ये पूरा का पूरा लिस्ट है, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा हर वादा पे. मैंने इन हक का हर पेज से मैं आई गॉन थ्रू देयर मैनिफेस्टो एंड हर जगह से हर मौकफ से हर वादा से वे मुकर चुके हैं
यू टर्न ले चुके हैं, सत्यानाश कर चुके हैं, हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिए हैं, हमारा मईशत को तबाह कर चुका है, आज तक यहाँ तक के हर पाकिस्तानी का फसल आज का खतरा में है, हर पाकिस्तानी का सेहत और जिंदगी खतरा में है। इस सिलेक्शन का जो बोझ है पाकिस्तान के अवाम आज तक उठा रहे हैं, अब हमें फैसला करना है कि हम कब तक इस पे इंसिस्ट करते रहेंगे कि इस सिलेक्टेड को ही रहना है, जो भी हाल हो हमारा मुल्क का, जो भी हाल हो हमारा फॉरेन पॉलिसी का, जो भी हाल हो हमारा मईशत का, ये फैसला पाकिस्तान की अवाम को लेना पड़ेगा। सवाल करें, ला सकते थे अगर हमें पता होता, ला सकते थे अगर स्पीकर साहब हमें मौका देता। आज तक वजीर ने तो वो ऑर्डिनेंस जो है हाउस में पढ़ा भी नहीं। दूर की बात है कि हम उनसे कोई सवाल तो पूछ सके। ये अगर जमहूरियत में यकीन ही नहीं रखते, पार्लियामेंट में यकीन ही नहीं रखते, इस हुकूमत को हर इशू को मुतनाज़ा बनाने का शौक है। जहां तक ऑपोजिशन की बात है, ये हुकूमत ने जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बाकर का तारीखी फैसला आपको बता रहा है, हर पाकिस्तानी को बता रहा है कि किस तरीके से नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और आज तक इस्तेमाल हो रहा है। हम मुतालबा करते हैं इसका अबॉलिशमेंट के लिए, हम मुतालबा करते हैं कि हमें हर पाकिस्तानी को आजादी मिलना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों को सियासी आजादी मिलना चाहिए, सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। आज तक ना पार्लियामेंट में, ना मीडिया पे, ना सड़कों पे सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है। यही हमारा शिकवा था जनरल इलेक्शंस में कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है, और आज तक हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल पहले दिन से लेके आज तक अपना भरपूर ताकत से, अपने भरपूर मेहनत से हर इशू पे, हर पॉलिसी पे, हर काम पे इनको उनका अपना जो काम है, अपना जो जिम्मेदारी है, अपना जो जिम्मेदारी है ऑपोजिशन का, वो अपने कैपेसिटी के हद तक पूरा किया। सर एक सवाल यहाँ से, मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पाकिस्तान में हमारा तारीख है, हमारा मौकफ है, जमहूरी सिस्टम का हिस्सा ना रहना कभी ऑप्शन नहीं था। और इस सिस्टम में अगर हमें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पार्लियामेंट में नहीं होता, आपको आज तक पता नहीं होता कि ये सिलेक्टेड है, और अभी भी पता नहीं होता कि कुलभूषण यादव के लिए ये क्या काम कर रहे हैं, तो जितना भी काम हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ 17 सीट्स में वो पार्लियामेंट में थी, मगर मैं उस पार्लियामेंट में बैठी और उसको हुकूमत को हिलने नहीं दिया। और इस नया दौर में जो भी मुश्किलात है वो सो है, लेकिन हम जो हम समझते अपना फर्ज है, अपना काम है ऑपोजिशन का किरदार अदा करना, वो हम करें। शमशी साहब, आपने दस्तावेजों का बहुत बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, एबीसी के हवाले से मुलाकातें की, उसका एजेंडा क्या होगा, उसका ये बात है
जहाँ तक हमारा एपीसी की बात है, हमारा तफसील मीटिंग हुआ था लाहौर में मुस्लिम लीग नवाज के साथ, जिसके बाद हमने अपने जो पार्टी के नुमाइंदे हैं कमेटी के लिए, ताकि हम उसी एजेंडा पे काम करें, वो भी तय किए थे और अनाउंस किए थे। और ईद के बाद जो हमारा एपीसी होना है, उसी के लिए ये सब काम कर रहे हैं। मैं मौलाना फजल रहमान साहब से भी कराची में मिला, नून लीग से लाहौर में मिला, आज ही मैं अख्तर मैंगल साहब से मिला हूँ। वो मुसलसल जो अपोजिशन के जमातें हैं उनसे अपने एंगेजमेंट में इजाफा करने की कोशिश करता रहूँगा। जहाँ तक 18th अमेंडमेंट जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट कठेरे में है। उन पे जो जिस ये हुकूमत हमला हमेशा ऑलमोस्ट एवरी डे नाउ या एनएससी के लिए 18th अमेंडमेंट निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हुकूमत कठेरे में है। और अगर एक आंच भी आता है एनएससी अवार्ड पे और 18th अमेंडमेंट पे, तो हुकूमत को ही नुकसान होगा। जो नुकसान पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की वफाक इस वक्त नहीं उठा सकते हैं, और उसको फुल फोर्स में रेजिस्ट किया जाएगा। शाकिर जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है, मैंने यही तो इल्ज़ाम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि तू NRO दे रहे थे, रिलीफ पहुंचा रहे थे, और अब जब उसने उस रिलीफ का फायदा नहीं उठाया, तो ये आपका दूसरा कोशिश है। नेशनल असेंबली, आई थिंक यही, जहां तक इलेक्शंस की बात है, इस इलेक्शंस में जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, उस पे हमारा जिस तरीके से मैं समझता हूँ वो फर्क है, मैंने उस पे भी बात किया, लेकिन ये भी एक वाज़े डिफरेंस है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मौकफ पे और दूसरे के मौकफ पे, कि हम समझते हैं कि ये मुसलसल जो एक मैनिपुलेशन रहा है हमारा इलेक्शन में, चाहे वो 1988 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को IGI की सूरत में, या 97 में, या 2002 में, जब हमने 2008 में इलेक्शन जीत के हुकूमत बना रहे थे, उस वक्त भी हमने कहा हम ये इलेक्शन रिजल्ट्स अंडर प्रोटेस्ट मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता था किस तरीके से उस इलेक्शन में हमारे खिलाफ धांधली हुआ था। 2013 में हमने सबसे पहले उस इलेक्शन पे बात की थी, और 2018 में आपके सामने हमारा मौकफ है, लेकिन हमने हमेशा कोशिश किया इस निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए। आज जो जो हमने पिछले इलेक्शन रिफॉर्म्स में इश्यूज एड्रेस किए हैं, अनफॉर्चुनेटली नया इश्यूज खड़े हुए हैं जिसको हमें भी अब एड्रेस करना पड़ेगा। शाकिर सुनेंगी, शाकिर एक तो जहाँ तक नून लीग की बात है, मैं समझता हूँ कि सारे सियासी जमातें जो है, जो अपोजिशन में हैं, वो अपने अपने तौर पे अपने किरदार अदा कर रहे हैं, और मेरा रابطہ आज भी उनके साथ है। जो JITs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ले आए जा रहे हैं, उनमें कोई हैसियत नहीं है, उनमें कोई वो झूठी जाली JITs है, और हम इनका मुकाबला हर फोरम पे करने को तैयार हैं। हम इनसे इज नो
इशू और शहबाज शरीफ साहब को भी इस बीमार हालत में भी नैब का सामना करना पड़ रहा है। सारी सियासी जमातें जो है वो अपोजिशन का रोल आपने देखा होगा जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामान में इस प्रदर्शन यादव इशू पे भी बोला। हम सब अपना रोल भी अदा कर रहे हैं। APC इंशाल्लाह ताला ईद के बाद होगा। मुस्लिम लीग नून का सदर जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, वही लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा APC की जो लीडरशिप है वो करेगा। और ये सारे ऑर्डिनेंस को इस बात हम ऑर्डिनेंस को शाकिर सवाल पार्लियामान और जमहूरी तरीके से चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त पार्लियामान में। आज तक मैं रिइटरेट कर रहा हूँ, आज तक हुकूमत ने मेरा जमात से ना रब्ता किया, ना एंगेज किया, ना बात किया। अगर ऐसा ही रहा हम पार्लियामान में भी मुखालफत करेंगे और कोर्ट्स में भी Yeah, please, Nafisa, I'm answering. Nafisa, can you put your hand up? जहां तक APC की बात है, हमने जो जॉइंट रेजोल्यूशन निकाला था बजट के ऊपर, वो एक बहुत अहम पहलू था हमारा APC का, जिस पे हमारा रादर देन बीइंग ऑन द APC एजेंडा, हमने एक जॉइंट रेजोल्यूशन के तहत, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत उस इश्यू को एड्रेस किया है। अब हम आपस में हमारा कमिटीज काम कर रहे हैं कि हम अपना जो एजेंडा इस APC के लिए है उस पे कंसेंसस बनाएं, और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जब शहबाज शरीफ साहब से एतियाब होता है उस APC का वो APC का मीटिंग भी होगा। अख्तर मैंगजू साहब के साथ बहुत से तफसील से हम बात किए हैं, बहुत कॉम्प्रहेंसिव बात रहा है, और हमने जो पाकिस्तान के फॉल्ट लाइंस है, जो पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मसाइल है, उन पे बात किए हैं। हमने इस पे स्ट्रेस किया है कि कैसे जमहूरियत और जमहूरी प्रोसेस ही इसका हल है। जब शहबाज शरीफ साहब ये ईद के बाद सेहतियाब हो जाता है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे जमातें हैं अपोजिशन में, हम सबको ऑफिशियली इंगेज करना चाहिए मैंगल साहब से कि वो ऑफिशियली अपोजिशन का हिस्सा बने। लेडी फौजिया सर, आप आपकी फौजिया खातून को मौका दे दें। मैडम मैडम आप एक लेडी को मौका दे दें, फौजिया एंड देन आफ्टर दैट यू। फौजिया आप फौजिया मैं समझता हूँ कि अवाम बहुत ही अवाम के जज्बात जो है, अवाम के अंदर जो नाराजगी जो है, और जिस तरीके से ये सारे जज्बे सप्रेस हो रहे हैं इस रेजीम के थ्रू, अगर ऑपोजिशन अवाम के एक्सपेक्टेशंस के पूरे पे नहीं उतरेंगे तो वो हमारे लिए भी नुकसानदेह होगा। और मैं समझता हूँ कि जमहूरी जमाते को इस इन इमोशंस को, आवाम के जज्बा को जमहूरी तरीके से चैनल करना चाहिए, जमहूरी तरीके से हमारा सिस्टम के अंदर रहकर उनका मसाइल हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। वरना अगर हम ये काम हमसे नहीं होता तो ये हमारा हाथ से काम निकल जाएगा। थैंक यू सर, लास्ट क्वेश्चन।